बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते, पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले यहाँ माफिया बैठे हैं। बाहर पैसा रखने वाला सियासतदान बाहर से कंट्रोल भी हो सकता है। हर जगह माफिया बैठे हैं, इन पर हाथ डलेगा तो ये शोर मचाएंगे। बाहर भेजा गया पैसा वापस लाने के लिए टास्क फोर्स कायम करेंगे। वजीर आजम का करप्शन की निशानदही करने वाले को बाजियाब पैसे का 25% तक देने का ऐलान। कहते हैं सबसे पहले FBR को ठीक करना है, अवाम को एतमाद देंगे तो आपका टैक्स आप पर खर्च होगा। ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे? कोई भी मुल्क इतनी करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें इस वक्त डॉलर की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान की बैंक्स में रखवाएं। इमरान खान का कौम से पहला खिताब। कहते हैं इंसाफ का निजाम भी ठीक करना है, चीफ जस्टिस से मुलाकात करूंगा। और मैंने सियासत को कभी भी करियर नहीं समझा। सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना था। सूद अदा करने के लिए हमें हर माह 2 अरब का कर्जा लेना पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। कहते हैं सिर्फ 2 मुलाजिम और 2 गाड़ियां रखूंगा। तमाम गवर्नर हाउसेज और वजीर आला हाउसेज में सादगी इख्तियार करेंगे। इमरान खान का वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान।